हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है और मैं आज की वीडियो में ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है और आपको भी इस चीज़ से अवेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों से बच के रहें। तो मेरे साथ हुआ एक स्कैम, हुआ नहीं हो जाता वो, मैं थोड़ा सा स्मार्टली खेल गया तो इसलिए बच गया। अदरवाइज़ अगर आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते तो आप भी इस जाल में फंस सकते थे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ जो स्कैम होने वाला था वो आपके साथ ना हो जाए, तो इसीलिए आप भी अवेयर रहे इस चीज़ को लेके। तो हुआ क्या, सिंपल, मेरे पास आया एक व्हाट्सएप जिसमें कि मैसेज था कि आप 700 से 2000 रुपए कमा सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। कैसे, सिर्फ वीडियो को लाइक करके और स्क्रीनशॉट भेज के, बस इतना सा काम। तो सेम मैंने पढ़ा और देखा और साथ में यही मैंने कवर किया। उन्होंने टास्क वाइज भेजा था, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, 3 वीडियो। तो उन्होंने जो लिख के भेजा था कि फर्स्ट टास्क है, अगर आप एक वीडियो पे लाइक करते हो, स्क्रीनशॉट भेजते हो तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। और ऐसे ही उन्होंने 3 वीडियो भेजी तो 50 के हिसाब से मेरे बने 150, यानी कि 150 रुपये। तो मैंने तीनों वीडियो को वॉच किया, थोड़ा थोड़ा सा लाइक किया, स्क्रीनशॉट लिया और उनको सेंड किया। जब मैंने इनको 3 स्क्रीनशॉट भेज दिए, उन्होंने सिंपल रिप्लाई करा कॉन्ग्रेचुलेशन। सो सबसे पहले उन्होंने मेरे से अपना नाम पूछा, उन्होंने डिटेल में लिख के भेजा अपना नेम, अपनी एज, अपना जेंडर और अपना प्रोफेशन क्या है। तो ये तीनों चारों चीज़ें उन्होंने मांगी। तो फिर मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि ये चारों चीज़ें ये क्यों मांग रहे हैं। इससे इनको पता चलेगा कि ये बंदा किस प्रोफेशन में है, कितना कमा सकता होगा, इसकी इनकम क्या हो सकती होगी और इसके अकाउंट में बैलेंस कितना होगा। तो इससे उनको आइडिया हो जाता है। तो फिर मैंने ये सोच के उनको भेज दिया, मेरे अकाउंट में क्या है मुझे पता है और आप भी शकल देख के पहचान सकते हो मेरे अकाउंट में क्या हो सकता है। तो ऐसे ही उनने जान लिया कि मेरे अकाउंट में क्या है, कितना है। तो मैंने उनको डिटेल भेजी, नेम वगैरह सारी चीज़। उसके बाद उन्होंने मुझे अकाउंट्स की डिटेल मांगी। आप अपना नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक ब्रांच मुझे सेंड करो, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं सोचने लगा अकाउंट नंबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आपको भी बता दूं, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने भी ऐसे ही दे दिया। IFSC कोड होता है इसलिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस ब्रांच में है, किस जगह पे है, वो डिसाइड करता है। आपके पर्सनल अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अकाउंट नंबर भी दे सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नेम और ब्रांच, ये चारों चीज़ें अगर कोई मांगता है तो आराम से दे दो, बेफिक्र होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपसे कोई पिन कोड मांगता है, ATM नंबर, पासवर्ड, ये सब कुछ मांगता है तो वहाँ थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपल मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपना नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक ब्रांच उनको भेजी। फिर उन्होंने मुझे एक लिंक दिया और अपनी साइट से एक कोड भेजा कि ये कोड है आपका और आप इस टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे जो भी नाम है वो मिलेंगे। उन्होंने मुझे डिटेल भेजी, उस पर लिंक था टेलीग्राम का, तो मैंने उस पर क्लिक किया, मैं रीडायरेक्ट हो गया टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे एक ID शो हुई, तो मैंने उस पर हेलो लिखा, तो फिर वहाँ से रिप्लाई आता है सेंड मी योर कोड्स। तो मैंने अपना कोड जो भी इन्होंने नॉर्मल बना रखा था वही मैंने इनको शेयर कर दिया। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, वेट कीजिए, चेकिंग वगैरह जो भी है अपनी साइड से उन्होंने बोला कि चेक करके आपको आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ट्रांसफ़र करेंगे आप अपने अमाउंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि स्क्रीनशॉट भेज देना और ये अकाउंट से पेमेंट करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जब अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो टेक्स्ट मैसेज में जो मैसेज होता है अकाउंट में भेजा हुआ ट्रांसफ़र दिखाता है और नीचे टोटल अमाउंट दिखाता है। वही मेरे माइंड में आया कि हाँ, ये अपना अमाउंट तो देखेंगे, साथ में मेरे बैलेंस भी देखेंगे कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है।
तो उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा था, तो वो तो मैंने अभी दिया नहीं है, बट उससे पहले अमाउंट आ नहीं रहा था। मुझे 5 से 6 मिनट हो गए, तो मैं उनको ये दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, कितना इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, तो जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये पानी के बहाव में आ रहा है, मुर्गा फंस रहा है। बट ऐसा नहीं था, मैं ही उनके साथ चीट करने जा रहा था, बल्कि मैं अपने दिमाग से खेल रहा था। फिर मैंने उनको मैसेज डाला कि नॉट रिसीव्ड, मतलब पैसे अभी नहीं आए मेरे पास, तो उन्होंने बोला वेट वेट कीजिए। फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा मैंने मैसेज किया। पहले मेरी व्हाट्सअप पे बात हुई थी, फिर टेलीग्राम पे, मैंने जैसे कि आपको बताया लिंक से रीडायरेक्ट हो गया था, तो फिर मैं दोबारा व्हाट्सअप पे गया, मैंने उनको मैसेज किया, तो बोले वेट कीजिए, वो भी बोले वेट कीजिए, वो भी बोले वेट कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद और फिर मैंने व्हाट्सअप वाले पे ही मैसेज किया कि आपने कहा था 2 से 3 मिनट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अभी तक नहीं आए। तो उन्होंने कहा आपने हाँ सही कहा। उनके पास एक रिप्लाई और आया कि आपके पास पैसा है। बस वहीं से मैं समझ गया कि ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है या नहीं, ये जानना चाहते थे कि मेरे पास पैसा है या नहीं। वो थोड़ा डाउट और कंफ्यूजन में थे कि इसके पास पैसा है या नहीं, ये मुर्गा फंस पाएगा या नहीं, तो ये चीज़ उनको डाउट था, इसीलिए वो अमाउंट भेजने में टाइम लगा रहे थे। तो मैंने सिंपल लिख दिया यस वाई, तो मतलब कि मेरे पास पैसा है बट आप क्यों पूछ रहे हो। उनका आंसर कुछ नहीं आया, सीधा अमाउंट में पैसा आया, 150 रुपये उन्होंने भेजे, 150 अकाउंट में आ गया। मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, आपको भी दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, बट उन्हों को नहीं भेजा, मैंने उनको नहीं भेजा, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, अमाउंट मेरे पास आ गया। फिर मैंने उनको मैसेज किया यस रिसीव्ड, बट मैं और पैसा कैसे कमा सकता हूँ इससे, आपने कहा था कि 700 रुपये से 2000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो उसने कहा यस आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे बात कीजिए। फिर मैं टेलीग्राम पे आया, सेम मैसेज मैंने उनको पेस्ट किया, उनका मैसेज आता है यस, और उन्होंने उनका कोई ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसमें कि 2700 के आसपास लोग हैं, और उसमें टास्क भेजे जा रहे हैं, इतने सारे टास्क भेजे जा रहे हैं, इतने सारे, मुझे समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा बट उन्होंने बताया नहीं, आई थिंक वो समझ चुके थे कि मैं किस लेवल पे हूँ, किस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। और बस मैंने ये अच्छा किया कि पैसा निकलवा लिया, 150 रुपये तो आ ही गए फ्री रिफंड के, तो बस इस चीज़ में मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो गया कि पैसे तो आ गए, बट उसके बाद की जो क्वालिटी है मेरी वो तो ओरिजिनल है ही, तो उससे उनको पता चल गया कि इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ये नहीं फंसने वाला। तो मैंने देखा ग्रुप में बहुत सारे टास्क आ रहे थे जिसको कंप्लीट करना था, गूगल से रिलेटेड था, रिव्यू दो 15 रुपये मिलेंगे, लाइक करो 25 रुपये मिलेंगे, ऐसे ये सब कुछ। तो उनका फिर मैंने बहुत सारी लिस्ट में देखा कि उसमें क्या कर रहे थे, अमाउंट भी ऐड करना था हमें, जैसे कि आप 1000 रुपये अगर उनको ट्रांसफ़र करते हो और विद इन 3 to 5 मिनट्स के अंदर आपको 1300 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये दोगे 1300 रुपये मिल जाएंगे, और ये चीज़ सिर्फ 1000 रुपये तक ही सीमित नहीं थी, काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर थी। आप 50,000 रखेंगे तो आपको 60,000 मिलेंगे, 1,00,000 रखेंगे तो इतने, मतलब बढ़ा के दिखा रहे थे कि इतना अमाउंट मिलेगा। फिर वहीं से ही मैं समझ गया कि हाँ कुछ ना कुछ पंगा तो है, पैसे डालने पड़ रहे हैं और उसके बाद ये बढ़ा के दे रहे हैं। सो इससे मुझे पता चल गया था कि ये लोग अमाउंट स्टार्टिंग में इसलिए भेज देते हैं ताकि आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है, 150 रुपये दे के अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है ताकि लोगों को लगे कि जेन्युइन कंपनी है, हम मुझे इसके साथ आगे काम करना चाहिए और बिना कुछ करे 1 लाइक दबा के करोड़पति बन जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आगे आगे जाओगे तो लेवल वाइज वो आपको फंसा लेंगे, और अगर आप उनके टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो वो अमाउंट जो आपको 50 रुपये दे रहे थे तो पहले कर देंगे वो 25 रुपये, अगर आपने एक टास्क में पार्टिसिपेट नहीं किया, पैसों वाला जो मैं बता रहा था, 10,000 दोगे तो 12,000 मिलेंगे और 1000 रुपये दोगे तो 1300 रुपये मिलेंगे, अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया
तो ऐसे ही आपका अमाउंट कम होता जाएगा। 50 मिलते थे, 25 मिलने लगेंगे, फिर दोबारा नहीं करोगे 12 मिलने लगेंगे, फिर दोबारा नहीं करोगे 5 रुपये मिलने लगेंगे, तो ऐसे कम होता चला जाएगा। तो ये चीज़ मैं देख के समझ चुका था, और भी मैं एक दो बार और मेरे साथ ऐसा हुआ था स्पॉन्सरशिप में, तो ये फेक स्पॉन्सरशिप से थोड़ा सा बच के रहें, यही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप अमाउंट अगर 150 रुपये निकालना चाहते हैं और ऊपर भी निकल सकते हैं, तो आप दिमाग से खेलें और ऐसी कोई डिटेल ना दें जो आपकी पर्सनल हो, बस आपको जो जेन्युइन लगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक ब्रांच और बैंक नेम, ये सब भेज सकते हो, और उसके अलावा कुछ भी मांगे नहीं देना। और आप अगर आपको भी बोला जाए कि अमाउंट यहाँ पे भेजना है इतना इतना कि आपको बढ़ा के दिया जाएगा, बिल्कुल भी मत फंसना, ये अमाउंट आपका वापस नहीं आएगा। जो भी टेलीग्राम में आपको ऐड किया है वो सब गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आप देख ही रहे हो, अजीब सा है, बाहर का ही है, मतलब अलग ही है, तो कुछ पता नहीं है कैसे क्या है। तो अगर आपको 150 रुपये कमाने हैं तो इस कंपनी के साथ वहीं तक जुड़े रहना, और उसके बाद टाटा बाय बाय कर देना, नहीं तो आगे की कहानी ख़राब हो सकती है, ठीक है। सो बस यही बताना था, आपको अवेयर करना था अपने मैसेज से, ताकि आपके पास ऐसा अगर कुछ आए तो उससे थोड़ा सा अवेयर रहना। और आप खुद सोचो यार, दिमाग लगाओ, एक लाइक का और स्क्रीनशॉट भेजने का कौन 50 रुपये देगा। अगर वो जेन्युइन कंपनी हो ना, तो वो हमें गली गली जाके 50 रुपये ना दे, सीधा यूट्यूब पे अपनी एड्स लगाए, जो हमारी वीडियोस पे ऐड आती है उसके थ्रू कमाए, अगर जेन्युइन कंपनी है तो इसीलिए फेक से बच के रहें। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। और अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल डांस से रिलेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ज़रूर देना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कीप डांसिंग, बाय बाय।